हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग रॉपर। तो फ्रेंड्स, आज एक जबरदस्त अपडेट लेके फिर से आया हूं वन ऑफ द बिगेस्ट पीएसयू IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहां पे रिक्रूटमेंट निकली गई है फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर और ऑफिसर थ्रू GATE 2021। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या क्या ब्रांचेस एलिजिबल है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, एज लिमिट कितनी होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और फ्रेंड्स इसमें सैलरी कितनी बनेगी। तो फ्रेंड्स, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, आखिरी तक आप बने रहिए। और फ्रेंड्स, इस तरह के अगर जॉब चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहां पे मैं छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जॉब अपडेट लेके आते रहता हूं। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विद द पोस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो पोस्ट है, दैट इज ऑफिसर और इंजीनियर एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो सेपरेट पोस्ट है। सबसे पहला मेरिट वाला है जो कि ऑफिसर और इंजीनियर, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है GATE 2021 के परफॉर्मेंस के बेस पे। और फ्रेंड्स, ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स में जो लोग ऑफिसर सेलेक्ट नहीं होंगे उन कैंडिडेट्स को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इस अप्रेंटिस इंजीनियर ट्रेनिंग में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो एज ए ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर, देन आपका फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्शन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बोल सकते हैं यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए अच्छा मौका है कि अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप ऑफिसर में सिलेक्शन ले लो, अदरवाइज आप अप्रेंटिस में अच्छा परफॉर्म करके फिर से जॉब ले सकते हो IOCL में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं एलिजिबल ब्रांचेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एलिजिबल ब्रांचेस है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग में BE या BTEC किया हुआ है अंडर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो फ्रेंड्स आप एलिजिबल हो एंड फ्रेंड्स आपको GATE 2021 में क्वालिफाइंग भी होना चाहिए। मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रखा गया है वो है GATE 2021 परफॉर्मेंस के बेस पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रैंक पीछे है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर की पोस्ट मिल सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आपका रैंक अच्छा है तो ऑफिसर या तो इंजीनियर का पोस्ट आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। अगर फ्रेंड्स, अगर आपने BTEC किया हुआ है इन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस लाइक मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एक्सेट्रा, देन आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने भी BTEC किया होगा इन मेंशनड एलिजिबल ब्रांचेस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिकल एंड MTEC इंटरडिसिप्लिन ब्रांचेस में कर रहे हो, तो भी आप फ्रेंड्स एलिजिबल है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने इंटीग्रेटेड BTEC MTEC किया हुआ है, देन फ्रेंड्स आपका जो BTEC के आधार पर जो स्कोर होगा वो आपको डालना है, अगर आपका रिजल्ट सेपरेट दे रहा है तो। और फ्रेंड्स, अगर इंटीग्रेटेड BTEC MTEC में अगर रिजल्ट एट द एंड MTEC का ही दे रहा है, देन फ्रेंड्स आपको वो MTEC का ही नंबर डालना पड़ेगा इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं एज लिमिट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एज लिमिट 26 ईयर्स रखी गई है फॉर जनरल अप टू द डेट ऑफ 30 जून 2021। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी को, जैसे कि SC ST को +5 ईयर्स, OBC को +3 ईयर्स एंड PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं इसमें फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, फाइनल ईयर एलिजिबल है, बट शर्त है कि आपका GATE 2021 में अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए और आपका जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स है 30 सितंबर 2021 तक आ जानी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए 65% एंड कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जैसे SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 60% मार्क्स रखी गई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं EWS की जो सर्टिफिकेट होगी वो करंट ईयर 2021-2022 का चाहिए, जो कि प्रिपेयर किया हो ऑन द बेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज 2022-2021। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व करता है कि आपका GATE 2021 में कैसा परफॉर्मेंस रहा है आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद फ्रेंड्स, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होगी उन्हें GD, PI एंड GT के लिए बुलाया जाएगा, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। देन फ्रेंड्स फाइनली आपको बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके भी पहले एक प्री मेडिकल टेस्ट भी होना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं नेचर ऑफ जॉब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको रिफाइनरी या तो पाइपलाइन या तो मार्केटिंग या बिजनेस डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको जबरदस्त 15,20,000 वाला CTC दिया जाएगा विद अ बेसिक सैलरी ऑफ 50,000। और फ्रेंड्स, बता दें जिनका सिलेक्शन ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स में होगा उनको भी कुछ मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, और यह रिवील नहीं किया गया है कि कितना मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, बट मेनली फ्रेंड्स 15,000 आई थिंक दिया ही जाना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफिकेशन में रिवील नहीं की गई है, बट फ्रेंड्स मैं आपको एश्योर कर दूँ अगर आपने GATE 2021 में अच्छा परफॉर्म किया है तो फ्रेंड्स इसे जरूरी भरे, बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन ऑफिसर या इंजीनियर में होता है तो अच्छा ही बात है, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है देन फ्रेंड्स आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स का मौका मिल रहा है, उसमें भी आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। और फ्रेंड्स वहाँ पे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो फर्दर रिक्रूट कर लिया जाएगा एज अ पोस्ट ऑफ ऑफिसर और इंजीनियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डबल मौका दिया जा रहा है और डबल चांस दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप जरूरी इस फॉर्म को भरे अगर आपका GATE 2021 में अच्छा परफॉर्मेंस है तो।
नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं सर्विस बॉन्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फ्रेंड्स आपको 3 ईयर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन में रहना पड़ेगा, और अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको 3 लाख चुकानी पड़ेगी इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैंडिडेट। और फ्रेंड्स अगर आप SC ST PWD और OBC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स आपको 50,000 देना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 7 जुलाई और ये वैलिड रहेगी 26 जुलाई 2021। तो फ्रेंड्स अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर इस फॉर्म को भर लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत, बाय।